अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रमी शर्मा, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ माय व्लॉग नंबर 3। तो मैं आज की वीडियो में बनाने वाली हूँ मैगी, थोड़ी अलग रेसिपी से। सबसे पहले मैंने मैगी को बॉईल करके, मतलब पहले पानी डाले फिर तोड़ लिए, ठीक है ना। ऐसे मैंने करके तोड़ लिए, तो ना ये देख सकते हैं आप। अच्छा, मैंने एक रेसिपी देखी है, मतलब रेसिपी देखी क्या है, मैंने अपने दिमाग से ये आइडिया लगा लिया कि अगर हम लोग उसके ऊपर कोई चीज़ थकेंगे ना, तो अगर हम लोग मैगी के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई प्लेट या फिर उसका ढक्कन ढक देंगे तो वो जल्दी होगी। तो खैर, अब ये चीज़ें चाहिए हमें, चिकन पाउडर, 2 फ्लेवर सोया सॉस, मैगी मसाला और चाट मसाला और एक प्याली। जाहिर सी बात है, उसी में बनाएंगे ना। तो ये अभी तो देखने में नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब मैं इसके मसाले का डालूँगी ना, तब आप देखिएगा, और उसके बाद भी आप देखिएगा जब मैं सोया सॉस का रैपर खोलूँगी। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सबसे पहले मैंने डाला चिकन पाउडर, और फिर ये 2 फ्लेवर्स थे वो डाले, और फिर चाट मसाला डाल दिया। नमक डालने के बाद अब आप ASMR देखें। तो आपने देख लिया मेरा सस्ता से ASMR है। तो इसको मिक्स करने के बाद ही हमारा कुछ इस टाइप का बन गया। ये बहुत गाढ़ा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसके ना मैगी के सूप में, मतलब मैगी जो बनी है उसमें से पानी लेके फिर थोड़ा सा डाल दिया और मिक्स कर रही हूँ मैं। जैसे थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा, थोड़ा सा बस, और ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। तो ये मैंने इसके अंदर डाला और फिर मिक्स साथ साथ मिक्स करते रहना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप साथ करें बाद में करें। और हाँ, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए ना, तो आप मैगी पूरे बनने के बाद अलग से ये मसाला डालिएगा। तो ये मैंने प्लेट पे अपने मैगी निकाल ली है, ये देख सकते हैं कितने ही ना। मुझे अच्छा सूखी मैगी पसंद, तो कभी कभी मैं खाती हूँ। तो ये देख सकते हैं फाइनल लुक मैगी का कैसा लग रहा है। अच्छा, होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, लाफिज़।